लगता है मंत्री जी ने बहुत डिटेल से समझाया है और जिस तरीके से बाकी सदस्यों ने बताया है कि टीवी पे अलग अलग प्रचार चल रहा है, कोई बोल रहा है 30 डिग्री होगा, कोरोना वायरस खत्म होगा या कैसे होगा। मैं बताना चाहूँगी कि कई कल से फोन आ रहे हैं जो बाहर विदेश से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें तो हम रोक रहे हैं, पर जो टूर एंड ट्रैवल से जिन्होंने अपनी अपनी ट्रिप्स बुक की हैं उनके फोन आ रहे हैं कि अगर हमें ये पोस्टपोन करना है तो टूर ट्रैवल्स को अगर वो लेटर दे रहे हैं कि हमें अपनी ट्रिप्स पोस्टपोन करनी है, हमें विदेश में जाना नहीं है, तो उसके लिए मैं विदेश मंत्री से और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके टूर ट्रैवल्स कैंसिल ना करते हुए ना उनका नुकसान हो ना ट्रैवल करने वालों का नुकसान हो, उनके लिए कुछ सोचा जाए और ऐसे विदेश मंत्री ने एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए। जब तक विदेश मंत्री है ना सूचित की जाए कि अब कोई भी चिंता करने जैसी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आप ट्रैवल कर सकते हो। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि पिछले चार पाँच दिनों से 2 स्कूल नोएडा के शट किए हुए हैं, उसका कारण बताना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया है। एम आरिफ, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मेनी ऑफ द मेंबर्स हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द हेल्थ इश्यूज दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ दिस। What I wanted to make a point of is that the most important thing is personal hygiene and habits. And for this, I think that the awareness that needs to be taken across the country is very important. But also, equally importantly, we're in the budget session, sir, and we need to understand what is going to be the economic impact of this virus, because people are expecting a global economic impact. Some people are saying that there could be a global GDP growth slowdown of even 1 to 2%. And if that happens, India is not going to be exempt from that. And when we're already looking at our GDP growth going below 5%, because of this virus, will it go to 3%? And if it goes to 3%, what will happen to our economy? This is a budget session, sir, and I think some focus needs to be also put on what is the economic impact of this virus on our country, sir. Thank you.